श्रीगंगानगर पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हजारों रुपए के नकली नोट बरामद किए। जानकारी के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिलने पर श्रीगंगानगर पुलिस ने कालिया गांव में केवल सिंह के घर पर दबिश दी, जहां पर नकली नोट बनाने का काम जोरों पर चल रहा था, जिस पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके 7,500 रुपए के नकली नोट बरामद कर लिए। बरामद 500-500 के नोट एक ही नंबर के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने नकली नोट वाली कलर प्रिंटर और पेपर कटिंग मशीन भी जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सदर पुलिस श्रीगंगानगर द्वारा 121-500 जाली नोट बरामद हुए हैं और जो उपकरण है जिस उपकरण के माध्यम से बने कलर प्रिंटर हैं उनको भी बरामद किया गया है। ये नकली नोट बनाते हुए इनको रंगे आते सदर पुलिस श्रीगंगानगर द्वारा गिरफ्तार